हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लबाबदार रेसिपी जिसे बनाना बहुत है आसान। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई जिसमें 1/3 कप तेल को ऐड करके गर्म कर ले रही हूँ। मैं इसमें ऐड करूँगी 2 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी साइज़ प्याज जिसे मैं पहले से ही ग्रेट कर ली थी। प्याज को ऐड करके गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। फिर मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार जिसमें 2 मीडियम साइज़ टमाटर को काट कर ऐड करूँगी। 10 से 12 काजू मैं पहले से ही भिगो कर रखी थी, इसे भी ऐड करूँगी। फिर मैं 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके बारीक पेस्ट बना लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और मैं इसे भी भून लूँगी। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, कुछ सूखे मसाले, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इन्हें भी चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी। इन सभी मसालों को 2 मिनट तक मैं भूनूँगी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट और इसे चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और इसे भी चलाते हुए मिक्स करूँगी। फिर मैं इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक पकने दूँगी और फिर मैं इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि तले में मसाले चिपक कर जले नहीं, और तेल को सेपरेट होने तक मसाले को भून लूँगी। अब हमारा मसाला भूनकर रेडी हो चुका है। इसमें मैं 1/2 कप पानी को ऐड करूँगी, फिर इसे 2 मिनट तक ढककर पकने दूँगी। फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। फिर मैं इसमें 2 चम्मच क्रीम ऐड करूंगी, आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चीनी ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करके मिक्स करूंगी। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अंडे को ऐड करूंगी। अंडे को मैं कटोरी में तोड़कर देख लूंगी, अंडे कहीं ख़राब तो नहीं है। मैं एक एक करके अंडे को ऐड कर दूंगी। इसी तरह से मैं सभी अंडे को ऐड कर दूंगी। इस कढ़ाई में मैं 4 अंडे ऐड करूंगी, इसमें बीच में जगह होनी चाहिए। फिर मैं अंडे के ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें बीच बीच में हरी मिर्च ऐड करूंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। फिर मैं इसके ऊपर धनिया पत्ती से गार्निशिंग करूंगी, लिड लगा दूंगी। फिर मैं इसे 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूंगी। फ्रेंड्स, आप एक बार इस एक लबाबदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट देने वाली रेसिपी है। 8 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लिड को हटा लूंगी। ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, रेस्टोरेंट जैसी है, खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।